हेलो बच्चों, दीप टाइप बुक ना, मोटी मोटी बुक्स है ना। तो अगर कोई प्रमोशन नहीं हो रहा यहाँ पर इनका, ध्यान रखना। यदि कल गए दुकान पे और सर ने ना नाम लिया था एक प्रदीप का, बजाकर प्रदीप खरीद लेते हैं। स्टील की प्लेट को पकड़ो, ऐसे चम्मच पकड़ो, ऐसे बजा दो एक बार उसको, बजा दो प्लेट को, ठीक है ना। चम्मच लो और एक बार मार दो प्लेट के ऊपर, आपको बड़ा आवाज आएगी। कैसे आवाज आएगी आपको? आपको आवाज आएगी टन। जो मच्छर की वो आवाज आपको आ रही है ना, ठीक है ना, वो कौन, वो क्या आवाज है? क्या वो बोल रहा है? क्या वो चीख रहा है? हे यार आई एम, हिम्मत है तो मार के दिखाओ। हेलो बच्चों, मैं रोहित गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। वेलकम बैक। और आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। एक छोटा चैप्टर जरूर है ये, ठीक है, और इसको आज हम बेटा सिंगल शॉट में पढ़ने वाले हैं। पूरे चैप्टर को हम आज कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इस चैप्टर के अंदर लेकर आया हूं। तो बेटा शुरू करते हैं आज का चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। बेटा इस चैप्टर के अंदर हमें बात करनी है इलास्टिसिटी, सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है बेटा इलास्टिसिटी की। अब बेटा ये इलास्टिसिटी क्या होता है? जब भी आप किसी चीज को खींचते हो और छोड़ते हो तो वो वापस आती है, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने की कोशिश करती है। बेटा ये होती है इलास्टिसिटी। थोड़ा सा बेटा फील लेते हैं इस इलास्टिसिटी का कुछ एग्जांपल्स के साथ, डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ, कहां पर आपने इस इलास्टिसिटी को देखा है, ठीक है बच्चों? तो चलो, जैसे कि बेटा बंजी जंपिंग, ठीक है, जब आप इस बंजी रोप से जंप करते हैं, पता नहीं आप में से कितने बच्चों ने किया है, इट इज वेरी एडवेंचरस, ठीक है। जब आप इस तरीके से बंजी बांधकर कूद जाते हैं नीचे और नीचे गिरते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जब ये बंजी क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेच हो जाती है, और जो ये पर्सन है तब स्ट्रेच होने के बाद वापस एक बारी ऊपर की तरफ आता है। जो उसका वापस आना है ना बेटा, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। वो खिंचता है बंजी और फिर वो वापस आता है, दैट इज द इलास्टिसिटी, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं बेटा, स्लिंगशॉट या गुलेल जिसे आप कहते हो, ठीक है ना, अगर आपने इसे खींचा और मारा, ठीक है ना, इसको आपने गुलाल गुलेल को लिया और इसको खींचा और मारा आपने, तो ये क्या है बेटा, ये भी इलास्टिसिटी है बेटा। कैसे इलास्टिसिटी है? देखो जो ये रोप यहां पर है ना बेटा, ये इलास्टिक रोप है, इसको आप खींच रहे हो और छोड़ने पर ये वापस आना चाहता है, छोड़ने पर ये वापस आना चाहता है, इसलिए क्या कह रहा है यहां पर इलास्टिक बिहेवियर को शो कर रहा है। ये वापस आना चाहता है, इसके अंदर वापस लाने के लिए एक फोर्स पैदा हो रहा है, उस फोर्स को बेटा हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। दो फोर्स लगते हैं बेटा यहां पर, एक फोर्स होता है जिस फोर्स से हम इसको खींच रहे बेटा, वो है डीफॉर्मिंग फोर्स। जो ये फोर्स दिख रहा है ना, ये है डीफॉर्मिंग फोर्स, इसे हम खींच रहे हैं इसको, और इसके इस डिफॉर्मिंग फोर्सेस के कारण इस स्ट्रिंग के अंदर जो खिंचाव पैदा हुआ है उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ है जो इसको वापस लाना चाहता है। तो जैसे ही आप इस डिफॉर्मिंग फोर्स को यहां से छोड़ोगे, इसके अंदर पैदा होने वाला रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लाने की कोशिश करेगा और पत्थर को आगे धकेलने की कोशिश करेगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी बेटा। ये भी क्या है? स्लिंगशॉट क्या है बेटा? ये भी एक एग्जांपल है किसका? इलास्टिसिटी का। देखिए बेटा, अगर आपके एक स्ट्रेच बैंड है, ठीक है ना, जिम में आप जाते हैं आपको ऐसे बैंड्स मिल जाएंगे बेटा, ठीक है ना, आप इसको पकड़ के खींच रहे हो, इस तरीके से खींच रहे हो, तो ये क्या करेगा बेटा, वापस आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। जितना आप खींचने की कोशिश करोगे ना, उतना ये वापस खींचने की कोशिश करेगा आपको, ठीक है ना। तो ये भी क्या है बेटा, ये भी इलास्टिसिटी का ही आपके पास एक एग्जांपल है। स्ट्रेच बैंड जितना आप खींच रहे हो उतना वापस आपको खींचने की कोशिश कर रहा, आप जब इसको खींचोगे ये डिफॉर्म होगा और इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स बेटा पैदा हो जाएगा और वो रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लाने की कोशिश करेगा, तो बेटा ये क्या कहलाएगा, ये इलास्टिक कहलाएगा, इलास्टिक बैंड भी किसको आप कह सकते हो इनफैक्ट, ठीक है। अब एक एग्जांपल आपके सामने और है बेटा। ऐसा कभी ना कभी तो आपके साथ हुआ ही होगा कि आपके पैर के नीचे चिंगम आ गई होगी। लोग क्या करते हैं, खासतौर से इंडिया के अंदर क्या करते हैं, चिंगम खाई, जहां देखी वहां फेंक दी, थूक दी भैया, ठीक है ना। तो वो होता क्या है, वो किसी ना किसी पैर के नीचे आ जाती है,
गलत बात है, गंदी बात है, गंदी बात नहीं करनी है, ठीक है ना, गंदी बात है, ठीक है, ओके। तो अब ऐसा जब आपके पैर के चिंगम आया तो आप देख लो चिंगम भी अगर खिंच रहा है, चिंगम भी अगर आए खिंच रहा है, क्या मैं कह सकता हूं चिंगम इज वेरी वेरी इलास्टिक, कैन आई से दैट चिंगम इज वेरी वेरी इलास्टिक, ठीक है। सो आई वुड से दिस इज नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज इलास्टिक बट इट इज नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिसिटी, व्हाई, बिकॉज चिंगम जो है ना उसके अंदर वापस आने की इतनी एबिलिटी नहीं होती है, इनफैक्ट इट इज काइंड ऑफ इन इलास्टिक, ठीक है ना। तो मैं ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, इनफैक्ट आई शुड से दैट मैंने जो ये पुअर एग्जाम्पल दिया है आपको वो जानबूझ के दिया है यहां पर आपको, ताकि आपको ये समझ में आए कि इलास्टिसिटी होती क्या चीज है आखिरकार। इलास्टिसिटी किसी चीज का खिंचना नहीं है, इलास्टिसिटी किसी चीज का खिंचना नहीं है, खिंचने पर उसका वापस आना इलास्टिसिटी है। इस बात को आपको समझना है, जब आपका पैर इस तरीके से चिपक कर चुंगम के साथ खींचता है इस चुंगम को, तो चुंगम खिंच जरूर जाता है लेकिन वो वापस उस तरीके से आना नहीं चाहता, ठीक है ना, वापस उस तरीके से आना नहीं चाहता। इसको बोलते हैं प्लास्टिक नेचर, ये इसका प्लास्टिक नेचर है, प्लास्टिसिटी है ये, इलास्टिसिटी नहीं है बेटा ये, इस चीज को ध्यान रखना बेटा। अभी मैं आगे इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा, इस एग्जांपल को वापस हम डिस्कस करेंगे, पर जानबूझ के मैंने यहां पर एग्जांपल रखा है क्योंकि लगता क्या है कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, खिंचना, लगता है कि चुंगम क्या है बहुत ही इलास्टिक है, लेकिन वो इलास्टिक नहीं है, ये तो प्लास्टिक है। इलास्टिक और प्लास्टिक में डिफरेंस क्या है बेटा, इलास्टिक होगा खींचने पर वापस आ रहा तो वो इलास्टिक है, बट खिंचता जा रहा तो बेटा वो प्लास्टिक है। There is a difference between them. एक difference है बेटा इस चीज के अंदर, ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी के मैंने आपको क्या बताया, मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करोगे तो बेटा डिफॉर्म करने के लिए आपको उस पर डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाने पर ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन आएगी। अब जब डिफॉर्मेशन आ रही है ऑब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक इलास्टिक फोर्स पैदा हो रहा, जिसको हम कह रहे क्या कह रहे हैं बताओ, उसको हम कह रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं। वो रीस्टोरिंग फोर्स जितना बड़ा होगा ऑब्जेक्ट उतना ही इलास्टिक होगा, बिकॉज डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर वो रीस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज में लाने की कर रहा कोशिश, ओरिजिनल शेप एंड साइज में लाने की करेगा कोशिश। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है बच्चों। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ टर्म्स की, कुछ टेक्निकल टर्म्स की जो इस चैप्टर में बेटा होती हैं इस्तेमाल, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम इस सबसे पहले टर्म को जिसका नाम है स्ट्रेस, ठीक है ना। तो बेटा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है ध्यान से देखो बेटा, हमने कहा कि स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या है बेटा, स्ट्रेस है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना बच्चा, समझ में आया आपको बात। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इट्स नॉट द डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इट्स अ रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। हालांकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में काफी सारी कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर रीस्टोरिंग फोर्स और डीफॉर्मिंग फोर्स बराबर होते हैं ना, वो बराबर होते हैं तो आपको उसमें डिफरेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी जो हम डिस्कस करेंगे, कुछ कंडीशन ऐसी आएंगी जहां पे रीस्टोरिंग फोर्स एंड डीफॉर्मिंग फोर्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट, और उस केस में हम उनके डिफरेंस को लेकर आगे स्टडी भी करेंगे। बट फिलहाल मैं कह रहा कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जब आप ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर रहे हो तो उसके अंदर पैदा होने वाला फोर्स, उसके अंदर पैदा होने वाला फोर्स पर यूनिट एरिया इज अ स्ट्रेस, ठीक ना। और अगर ये स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो ऑब्जेक्ट टूट जाता है। बट स्ट्रेस एक लिमिट तक लिया जा सकता है, उसके बियॉन्ड वो ऑब्जेक्ट टूट जाता है। इसलिए बेटा स्ट्रेस लेने का नहीं, देने का भी नहीं। यदि दूसरों को स्ट्रेस दिए पड़े हो, ठीक है ना, मम्मी बोल रहे पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ रहा, आई एम नॉट टेकिंग स्ट्रेस, आई एम गिविंग स्ट्रेस, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस लेने का नहीं, स्ट्रेस देने का भी नहीं, ठीक है ना। ओके चलो आते हैं। तो बेटा स्ट्रेस हमने कहा कि इट इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्ट्रेस जो है बेटा तीन टाइप का होता है, स्ट्रेस क्या होता है, तीन टाइप का स्ट्रेस होता है, ठीक है ना। कौन कौन से टाइप्स होते हैं बेटा, आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले टाइप होते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल,
लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है बेटा। दूसरा होता है बेटा हमारे पास क्या, उसको हम बोलते हैं बेटा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ठीक है। पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा होता है शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। और तीसरा होता बेटा उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। स्ट्रेस तीन टाइप का होता है, ठीक है ना। अरे बाबा, अरे बाबा, मच्छर, अरे भैया मच्छर हट जाओ, खून हो जाएगा हमारे हाथों, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, इतनी सर्दी हो रही है, मच्छर जो है ये मान नहीं रहे हैं। ओके, ये मच्छर खाली मेरी क्लास में आता है कि बाकी टीचर्स की क्लास में भी आता है, कमेंट करके बताना मुझे। मच्छर बड़ा तंग करता है मुझे, जहां जाता हूं हर क्लास में मच्छर घुस जाता है, है? लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है बेटा। ये भी बेटा दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं बेटा टेंसाइल, एक को कहते हैं कंप्रेसिव, कंप्रेसिव। एक होता है टेंसाइल, एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है बेटा, ठीक है ना। तो बेटा ये लेंथ को इंक्रीज करने के लिए लगता है, कंप्रेसिव लेंथ को डिक्रीज करने के लिए लगता है, ठीक है ना। तो लेंथ को जो इंक्रीज करने के लगे वो टेंसाइल स्ट्रेस, लेंथ को डिक्रीज करने लगे वो कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो हमेशा क्या रहेगा, लेंथ को चेंज करने के लिए आएगा, ठीक है ना। तो दो तरीके से आएगा, एक तो या तो ऐसे फोर्स लग रहा होगा लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, या फिर फोर्स लग रहा होगा बेटा इस तरीके से, ऐसे लगेगा डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। दोनों तरफ से लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्लियरली जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लग रहा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा, लेंथ को चेंज करने के लिए लग रहा, ठीक है ना। तो जो लेंथ हमारे पास यहां पर आ रही उसको चेंज करने के लिए ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा, तो हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को बोलते हैं एफ परपेंडिकुलर अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एफ परपेंडिकुलर अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बेटा मैक्सिमम चीजें आपको एग्जाम में इसके ऊपर पूछी जाती है, मैक्सिमम चीजें आती हैं आपके पास इसी के ऊपर, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस स्ट्रेन के ऊपर। अब स्ट्रेन क्या है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं शियर की, सबसे कम शियर पूछा जाता है, ठीक है ना, सबसे लीस्ट पॉपुलर शियर है, तो इसके बारे में हम चर्चा भी सबसे कम ही करने वाले हैं। इसमें होता क्या है बेटा, देखो इसमें होता यह है कि आप ना सरफेस के अलोंग फोर्स लगाते हो, सरफेस के अलोंग फोर्स लगाते हो, सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाते हो, तो बेटा जो ये ऑब्जेक्ट होता है ना वो टिल्ट हो जाता है, टिल्ट हो जाता है। अब आपको समझ नहीं आ रहा, फील नहीं आ रही है, बेटा फील लेने के लिए काम करते हैं। सपोज आपके पास कोई मोटी सी बुक है, जैसे आर डी शर्मा टाइप बुक, आर डी शर्मा टाइप बुक जो मोटी सी बुक हो, ठीक है ना, या फिर प्रदीप टाइप बुक ना, मोटी मोटी बुक्स, ठीक है ना। तो अगर कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है यहाँ पर इनका, ध्यान रखना, यदि कल गए दुकान पे और सर ने ना नाम लिया था एक प्रदीप का, जाकर प्रदीप खरीद लेते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, खैर एक मोटी सी बुक हमने ले ली और उस मोटी सी बुक पे, ठीक है ना, आपने अगर टॉप पे फोर्स लगाया, टॉप पे फोर्स लगाया, तो क्या होगा, क्या हुआ, आप देखोगे वो बेंड होना शुरू हो गया, उसके पन्ने जब बेंड होना शुरू हो गए, वो कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी बेटा, कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। जब आप ऊपर फोर्स लगाओगे, पैरेलल टू द सरफेस लगाओगे, तो वो कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ठीक ना। जब ये इस तरीके से बेंड हो रहा है ना, इसको हम कह रहे हैं शियर, ठीक ना, ये है आपका शियर स्ट्रेस। तो इसके अंदर जो फोर्स लगा रहे हैं हम, वो क्या हो रहा है, वो सरफेस एरिया के पैरेलल लग रहा है, ठीक ना। तो ऐसे में हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट एफ पैरेलल अपॉन में एरिया, एफ पैरेलल अपॉन में एरिया, दैट इज शियर स्ट्रेस, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की। बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूम को चेंज करने के काम आता है, ठीक ना। अब वॉल्यूम क्या चेंज होगा, जब चारों तरफ से उसको दबाओगे, जब चारों तरफ से उसको दबाओगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आता है। जब चारों तरफ से दबा रहे हो उसको, हर पॉइंट से दबा रहे हो, यहां पर क्या केवल क्रॉस सेक्शन पर दबाया आपने, साइड से नहीं दबा रहे हो, तो ये साइड से फैल सकता है, ये छोटा हो सकता है, ठीक है ना। अब क्या, आप चारों तरफ से उसको दबा रहे हो, चारों तरफ से उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो बेटा हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आने वाला है, ठीक है। ऐसा कब होता है, नॉर्मली ऐसा तब होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, क्या करते हो बेटा, पानी में डाल देते हो, किसी फ्लूड में डाल देते हो, तो फ्लूड के अंदर क्या होता है बेटा, चारों तरफ से वो उसको दबा रहा होता है ऐसे, तो उसमें कौन सा स्ट्रेस आता है बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आता है। कौन सा स्ट्रेस आता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आता है, ठीक है। चारों तरफ से उसको दबाया जा रहा, चारों तरफ से दबाया जा रहा है उसको, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आ गया। ओके, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा बेटा ये, तो
बेटा ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगेन अब यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो सरफेस के परपेंडुलर डायरेक्शन में ही लग रहा है, बट हर पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है ना। तो एफ परपेंडुलर अपॉन एरिया, बट दैट इज ऑल्सो इक्वल टू प्रेशर ऑफ द लिक्विड, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू प्रेशर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के प्रेशर के बराबर तो है ये, ठीक है ना। तो हम यहां पर इसको प्रेशर ऑफ द लिक्विड से भी लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ द लिक्विड के बराबर ही हो जाएगा एक तरीके से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया तो होता है ना। तो यहां पर किसका फोर्स, किसका एरिया, लिक्विड का फोर्स और सब सरफेस का एरिया आप जब डिवाइड करेंगे तो बेसिकली वो आप क्या होगा, लिक्विड का ही प्रेशर के बराबर आ जाएगा। सो प्रेशर ऑफ द लिक्विड हम यहां पर यूज कर रहे और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम यहां पर लिख रहे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर बेटा बात। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा स्ट्रेन की। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा स्ट्रेन की। तो बेटा स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। क्या मतलब है इसका बेटा, इसका मतलब है ये बताता है हमको कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी डायमेंशंस में कितना ज्यादा चेंज आ रहा है, उसका लेंथ कितना ज्यादा चेंज हो रहा, वॉल्यूम कितना ज्यादा चेंज हो रहा, एरिया कितना ज्यादा चेंज हो रहा, मतलब किस तरीके से कितना चेंज आ रहा है। तो इट इज चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। अब इसका मतलब क्या है, हमने पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन की बात क्यों कही। सपोज मैं कह रहा हूं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी लेंथ को चेंज किया, मैंने उसकी लेंथ को चेंज किया और वो जो चेंज आया है ना, वो चेंज है मान लिया 10 सेंटीमीटर का चेंज है, 10 सेंटीमीटर का चेंज किया मैंने, एक रॉड की लेंथ को 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दिया, 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दिया, बताओ ये चेंज बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, बताओ ये चेंज बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो बेटा इसका कोई सेंस ही नहीं है कि चेंज बहुत छोटा या बड़ा है, बिकॉज छोटा या बड़ा होता है रिलेटिव, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में। अगर मैं कह रहा कि मेरे पास एक रॉड है जिसकी जो लेंथ है ना, एक रॉड है जिसकी जो लेंथ है, लेट अस से वो है 1 मीटर, 1 मीटर की लेंथ है और उसके अंदर मैंने 10 सेंटीमीटर का राइज किया, और दूसरी तरफ मैं कह रहा कि मेरे पास जो रॉड है ना वो 10 सेंटीमीटर की ही है, बेटा जो रॉड है ना वो 10 सेंटीमीटर की ही है, ठीक है ना, और इसके अंदर मैंने 10 सेंटीमीटर का और राइज कर दिया, तो बेटा यहां पे जो रॉड हो रही है वो डबल हो रही है। तो इस रॉड के लिए ये बहुत बड़ा चेंज है, इस रॉड के लिए ये बहुत ही बड़ा चेंज है, क्योंकि आपने डबल कर दी उसकी लेंथ। यहां पर आपने डबल नहीं करी है, यहां पर केवल 10% राइज किया, यहां पर केवल 10% राइज किया। वहीं पर अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 किलोमीटर की रॉड, 1 किलोमीटर लंबी है, 1 किलोमीटर लंबी रॉड में आपने लेंथ का इंक्रीज किया कितना, 10 सेंटीमीटर का, तो बहुत छोटा चेंज कहलाएगा वो। तो सेम 10 सेंटीमीटर का चेंज बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग किसके ऊपर कि ओरिजिनल क्या उसकी लेंथ साइज है, ठीक है ना। अच्छा जी सर ये बात तो समझ में आ गई, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास 3 टाइप का स्ट्रेस है, तो 3 टाइप का स्ट्रेन है, कौन सा, वही वाला लॉन्गिट्यूडिनल। देन हमारे पास क्या है बेटा, देन हमारे पास क्या है, देन हमारे पास है शियर स्ट्रेन, देन क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल बेटा लेंथ चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। शियर में क्या हो रहा है बेटा, शियर में ये टिल्ट हो रहा है, ऐसे टिल्ट हो रहा है, ऐसे था ऐसे हो गया, ठीक है ना, ऐसे था ऐसे हो गया, ठीक है, टिल्ट हो रहा है, टिल्ट। तो ये एंगल है ना टिल्ट, इसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेस, जिस थीटा इज द शियर स्ट्रेन, सॉरी शियर स्ट्रेन। ये चेंज आया है डायमेंशन के अंदर, ठीक है ना। अब हम कहें कि अगर ये जो एंड है ये एक्स आगे निकल गया, ये एच है, ठीक है ना। तो आप क्योंकि ये बहुत छोटे चेंजेस होते हैं, बहुत बड़े चेंज हो गए, नॉर्मली जो चेंजेस आते हैं वो बहुत छोटे चेंजेस आते हैं, अनलेस एंड अंटिल हम बहुत ही मतलब एक्सट्रीम एग्जांपल्स में चले जाएं, तो ये बहुत छोटे चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। आप अगर अगर आपने मान लिया बॉटल ली और इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाया, तो आपको भी बहुत टिल्ट होती नहीं दिखने वाली है, ठीक है ना। वेरी स्मॉल चेंजेस, मे बी माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल चेंजेस, सो थीटा इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल, एंड इफ थीटा इज वेरी स्मॉल वी कैन अप्रोक्सीमेटली राइट दिस एज टैन थीटा, अप्रोक्सीमेटली राइट दिस एज टैन थीटा,
दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एक्स बाय एच. सो दैट इज अ शियर स्ट्रेन. ये है शियर स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या हो रहा है बेटा, वॉल्यूम चेंज हो रही है तो उसको लिखेंगे डेल्टा वी बाय वी. वॉल्यूम चेंज हो रही है हम लिखेंगे डेल्टा वी बाय वी लिखेंगे बेटा. यहां पर आई बात समझ में आप लोगों को, कोई पूछने वाली बात नहीं होनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं और बेटा बात करते हैं हम हुक्स लॉ की. हम बात करते हैं बेटा हुक्स लॉ की. नाउ व्हाट इज हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या होता है बेटा. तो हुक्स लॉ कहता है कि भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा स्ट्रेन होता है. क्या मतलब है इसका, कि जब भी हमने एक ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म किया उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस पैदा होंगे. जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन हम बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेस भी पैदा होता चला जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी पैदा होता चले जाएंगे. इसलिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है. When you open this proportionality sign, you write this as modulus of rigidity, modulus of elasticity, एक constant आता है बेटा, और into strain. तो मेरा question ये कि क्या सारे के सारे object Hooke's law को follow करते हैं, क्या सारे object Hooke's law को follow करते हैं? नहीं बेटा, सारे object Hooke's law को follow नहीं करते, पहली चीज. दूसरी बात, अगर सारे ऑब्जेक्ट्स हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, कुछ ही फॉलो करते हैं, तो जो फॉलो करते हैं तो वो हमेशा फॉलो करते हैं. जो करते हैं क्या वो हमेशा फॉलो करते हैं? जितना मर्जी स्ट्रेस लगा लो, जितना मर्जी स्ट्रेन लगा लो, फॉलो करेंगे सारी वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के लिए फॉलो करेंगे? आंसर इज नो अगेन. तो कुछ ही मटेरियल फॉलो करता है उस लोग को, और जो फॉलो करता भी है ना वो एक रेंज में फॉलो करता है, उसके बियॉन्ड फॉलो नहीं करता, उसके बियॉन्ड फॉलो नहीं करता, एक लिमिट तक फॉलो करता है, उसके बाद फॉलो नहीं करता है. ठीक ना, फिलहाल हमें ये पढ़ना है कि जब वो फॉलो करता है तो क्या होता है, उसके बियॉन्ड की बात हमें नहीं करनी. एक ग्राफ हम स्टडी करेंगे एक टिपिकल मेटल का, और उसमें बताऊंगा कि वो रीजन कौन से हैं जहां पर वो फॉलो नहीं करता है, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा. बट उससे पहले बात करते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन. ठीक है ना, सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल जो उसकी इलास्टिसिटी के बारे में बता रहा है. जितना बड़ा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, उतना ही ज्यादा इलास्टिक मटेरियल होगा. मटेरियल की इलास्टिसिटी कैन बी सेट टू डिपेंड ऑन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है ना, तो अलग अलग मटेरियल की इलास्टिसिटी अलग अलग होती है, इसलिए उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग अलग होने वाला है. ठीक है, ओके, सो दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप्स, बेटा ये भी बड़ा तीन टाइप का होता है. तो सबसे पहला बेटा क्या होता है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे पहला क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे बेटा हम इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस. क्या बोलते हैं बेटा, यंग्स मॉडुलस. इसको लिखते हैं गामा से, यंग्स मॉडुलस गामा से लिखा जाता है. क्या होता है बेटा, यंग्स मॉडुलस गामा इक्वल्स टू, तो बेटा ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल. डेल्टा एल बाय एल होता है, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया डिवाइड बाय डेल्टा एल बाय एल होता है. ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आपको आ रही होगी. ठीक है, इस एल को आप चाहते हो ऊपर ले जा सकते हो, आप बोलते हो गामा इज इक्वल्स टू एफ परपेंडिकुलर इनटू एल डिवाइड बाय ए डेल्टा एल, ये बोल सकते हो आप. आई बात समझ में आपको, ये है आपके पास गामा की वैल्यू, यंग्स मॉडुलस. अब बेटा बात करते हैं सेकेंड की बेटा, इसको बोलते हैं शियर मॉडुलस. क्या बोलते हैं बेटा, शियर मॉडुलस या एक और नाम से इसको बुलाते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. ये बोलते हैं बेटा इसको. ठीक है, अच्छा जी, ये क्या चीज है आप देखो, इसको हम लिखते हैं ईटा से. ये क्या होगा बेटा, शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन होगा, शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन होगा. अच्छा जी, तो शियर स्ट्रेस क्या होता है बेटा, एफ पैरेलल अपॉन में एरिया, और शियर स्ट्रेन क्या होता है बेटा, थीटा. दैट इज हाउ आई विल राइट इट डाउन. बट इसके बारे में रेयरली कोई आपसे पूछेगा, बहुत चिंता वाली बात नहीं है बेटा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बल्क मॉडुलस. बल्क
बल्क मॉडुलस, ठीक है, जो बल्क मॉडुलस होता है बी, उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, उसकी वैल्यू होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है बेटा ये, ठीक है। तो व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है बेटा, तो बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है बेटा प्रेशर, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है बेटा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है ना। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रेशर जब भी चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन नॉर्मली प्रेशर जब हम इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे बेटा चेंज इन प्रेशर से, ठीक है। और क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम उल्टे रिलेट हो जाते हैं आपस में, इसलिए हम क्या करते हैं यहां पे एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। सो बल्क मॉडुलस इज माइनस डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय वी। अगर अगर यहां पर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो लिख पाएंगे हम कैसे, माइनस डीपी डिवाइड बाय डीवी बाय वी। तो ये इस तरीके से आप बल्क मॉडुलस को लिख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो प्रेशर जब भी इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम बेटा डिक्रीज होगा, माइनस साइन आपको यहां पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द लिक्विड से, इसलिए हम ऐसा माइनस साइन यहां पर लगा रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना, कि बाहर से प्रेशर बढ़ाए तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। इंटरनल प्रेशर से डिफाइन करेंगे तो माइनस साइन नहीं आएगा, ठीक है। हम एक्सटर्नल प्रेशर से डिफाइन कर रहे हैं, हम यहां पर माइनस साइन यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। अच्छा, तो इसके अलावा एक टर्म और होती है बेटा, मैं यहां लिख दे रहा हूं उस टर्म को, उसको नाम है कंप्रेसिबिलिटी, 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 कैसे लिखते हैं इसको बेटा। कंप्रेसिबिलिटी होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना इजीली हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसकी वॉल्यूम को कितना इजीली कम कर सकते हैं। तो बेटा कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वन अपॉन में बल्क मॉडुलस, वन अपॉन में बल्क मॉडुलस बोलते हैं इसको। सो कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस में आपको डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा, दैट कंप्रेसिबिलिटी इज वन बाय बल्क मॉडुलस, ऐसे हमें लिखना है। तो ये सारी वैल्यूज आपके सामने यहां पर आ चुकी हैं बेटा, ठीक है। तो बढ़े आगे इसमें, ठीक है, चलते हैं आगे। तो बात करते हैं यहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम कह रहे हैं देखो, अगर हमारे पास इस तरीके से है बेटा, ये हमने यहां पर स्ट्रेस बना दिया, यहां हमने स्ट्रेन बना दिया, तो हम ग्राफ बना रहे हैं एक टिपिकल, हम ग्राफ बना रहे हैं बेटा एक टिपिकल मेटल के लिए। एक टिपिकल मेटल हम लेते हैं तो कैसा ग्राफ रहता है, तो बेटा ग्राफ हमें मिलता है कुछ ऐसे स्टार्टिंग में, फिर कुछ कर्व होता है, फिर कुछ ऐसे आगे जाता है, फिर कुछ नीचे आता है और फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं उसको समझने की करते हैं कोशिश। तो सबसे पहला पॉइंट हमें मिलता है यहां कहीं पर बेटा, यहां कहीं पर एक पॉइंट मिलता है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं पॉइंट नंबर ए। फिर यहां पर मिलता है हमारे पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, फिर यहां पर मिलता है पॉइंट, पॉइंट नंबर सी, फिर यहां पर मिलता है पॉइंट नंबर डी, ठीक है ना। सो पॉइंट नंबर ए क्या है बेटा, पॉइंट नंबर ए कहलाता है बेटा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, पॉइंट नंबर बी कहलाता है बेटा यहां पर इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, पॉइंट नंबर सी होता है बेटा उसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट, और पॉइंट नंबर डी होता है उसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। इस ओ से लेकर ए तक के बीच में मटेरियल इलास्टिक होता है और हुक्स लॉ वैलिड होता है, हुक्स लॉ वैलिड होता है, हुक्स लॉ इज वैलिड। ए से बी की जोन के अंदर मटेरियल इलास्टिक तो होता है लेकिन हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब यह हुआ कि अगर आप स्ट्रेच करोगे और छोड़ोगे तो मटेरियल वापस आएगा अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में, लेकिन लेकिन हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होगा। स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, कर्व बन रहा, ए से बी एक कर्व है। उसके बाद जब वो बीसी रीजन में आ गया तो वो इनइलास्टिक हो चुका है,
मतलब खींच कर जब उसको छोड़ोगे तो उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कई बार होता है ना, अगर आपने एक रबर बैंड लिया उसको थोड़ा ज्यादा खींच देते हो तो उसकी लेंथ क्या होती है, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, उसमें एक परमानेंट सेट आ जाता है और उसकी लेंथ क्या होती है बेटा, परमानेंटली थोड़ी सी राइज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अच्छा जी, सी पॉइंट क्या है यहां पर बेटा, यह है यील्ड पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के बाद बेटा स्टार्ट होता है प्लास्टिक फ्लो, प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट होता है। क्या मतलब है प्लास्टिक फ्लो का बेटा, अगर आपके पास पॉलिथिन है, पतली वाली जो पॉलिथिन होती है, अगर आप उसको खींचना शुरू करो तो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल से खींचती हो, बट एक पर्टिकुलर लेवल के बाद क्या होता है, वो बस ऐसे ही खींचना शुरू हो जाती है, मतलब बड़े आराम से खींचना शुरू हो जाती है। जैसे कि थोड़ा सा आपने आटा बनाया, आटे को खींचते हो तो वो ऐसे खींचता हुआ चला जाता है ना, खींचता चला जाता है, ठीक है ना। या बच्चों के जो खेलने वाली वो आती है ना, पुट्टी बोलते हैं उसको शायद, ठीक है ना, और सैंड आती है, उसको खींचो कैसे खींचती जाती है ना, खींचती चली जाती है, खींचती चली जाती है, ठीक है। तो वो क्या है बेटा, वो है प्लास्टिक फ्लो, या फिर जिस चिंगम की मैं बात कर रहा था, जिस चिंगम की मैं बात कर रहा था आपसे, देखो ये क्या है बेटा, ये प्लास्टिक फ्लो के रीजन में ही है, ठीक है ना। ये चिंगम क्या बेटा, खींचती हुई चली जा रही है, ये बेटा प्लास्टिक फ्लो के रीजन में ही है, ठीक है ना। इसका प्लास्टिक फ्लो बहुत ही हाई है बेटा, बहुत हाई प्लास्टिक फ्लो है इसका, ठीक है बेटा, आ रहे बेटा आपको समझ में, ठीक है। तो प्लास्टिक फ्लो जिसमें ज्यादा होता है वो ज्यादा खिंचता है, वो ज्यादा खिंचता है, और वो नॉर्मली क्या होता है, मेलिएबल होता है। क्या होता है, मेलिएबल होता है, उसको ठोको पीटो टूटेगा नहीं, खिंचेगा, फैलेगा। मेलिएबल मतलब उसको शीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि लोहा, लोहे को पीटो टूटेगा नहीं, फैलेगा। गोल्ड पीटो टूटेगा नहीं, फैलेगा। कांच पीटो टूट जाएगा, बिकॉज कांच क्या है, कांच ब्रिटल है। जिसके अंदर ये प्लास्टिक फ्लो कम होगा, सी और डी नजदीक होंगे, वो बेटा ब्रिटल होगा, ब्रिटल। जिसमें प्लास्टिक फ्लो ज्यादा होगा वो मेलिएबल होगा, मेलिएबल होगा, ठीक है ना। प्लास्टिक फ्लो कम ब्रिटल, प्लास्टिक फ्लो ज्यादा मेलिएबल। आई बात समझ में। तो अलग अलग मटेरियल के लिए ये ग्राफ का शेप लगभग सिमिलर रहेगा, लेकिन लेकिन रीजन छोटे बड़े होंगे। प्लास्टिक फ्लो कम तो ब्रिटल, प्लास्टिक फ्लो ज्यादा तो मेलिएबल, ठीक है बेटा। आई बात समझ में। अब यहां पर बेटा एक क्वेश्चन उठता है कि स्टील और रबर में से कौन ज्यादा इलास्टिक है, स्टील और रबर में से कौन ज्यादा इलास्टिक है, विच इज मोर इलास्टिक इन अमंग स्टील और रबर, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन उठता है यहां पर, विच इज मोर इलास्टिक, विच इज मोर इलास्टिक, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा। विच इज मोर इलास्टिक, कौन ज्यादा इलास्टिक होगा, विच इज मोर इलास्टिक बेटा, ठीक है ना। तो पहला इसमें स्टील बोला गया और दूसरा इसमें रबर बोला गया, चुनना है आपको कौन ज्यादा इलास्टिक है। तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आई होप आप लोग उसका आंसर पता होगा। कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से क्या आंसर है, स्टील या रबर में से कौन ज्यादा इलास्टिक होता है बेटा, ठीक है ना बेटा। तो देखो आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, भर भर के कमेंट कर दिया होगा, ठीक है ना। तो अब समझते हैं कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है ना। कुछ बच्चों को थोड़ा सा आश्चर्य हो सकता है, सर ऐसी क्या बात करो, स्टील तो खिंचता ही नहीं है पर रबर तो इतना खिंच जाता है। तो बेटा इलास्टिसिटी इज नॉट कि कितना खिंचता है, इलास्टिसिटी कितना वापस आता है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो सर अगर मैं एल्यूमिनियम की एक पतली सी रॉड लूं, उसको मोड़ दूं तो क्या वो वापस आएगी, नहीं आएगी, बिकॉज आप ज्यादा मोड़ रहे हो। तो इलास्टिक इलास्टिसिटी जो है स्टील की, एक बहुत छोटे रीजन में है, बहुत छोटे डिफॉर्मेशन के लिए है, लेकिन उस छोटे से डिफॉर्मेशन के रीजन में इट इज मोर इलास्टिक देन रबर। बट रबर काफी बड़ा रीजन तक इलास्टिक रहता है, रबर काफी बड़ा रीजन तक इलास्टिक रहता है, ठीक है ना, और वो बड़े रीजन तक इलास्टिसिटी को शो करता है। बट इसका मतलब यह नहीं कि दैट इट इज मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है ना। रबर is less elastic because वो धीरे वापस आने की कोशिश करता है। अब आपको सर फील नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा सर, ये क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना। चलो फील दिलाने की करते हैं कोशिश। आपके घर में बेटा एक स्टील का प्लेट होगा, एक स्टील का चम्मच होगा, ले आओ, ले आओ बेटा, bring bring a स्टील का प्लेट एंड स्टील का चम्मच, ठीक है ना। आपके घर में खाना खाते हो ना, ठीक है ना, तो स्टील का प्लेट और स्टील का चम्मच जरूर ही होगा आपके घर में, ठीक है, ले आओ उसको एक बार, ठीक है। और एक बार लाने के बाद क्या करो, स्टील की प्लेट को पकड़ो ऐसे, चम्मच पकड़ो ऐसे, बजा दो एक बार उसको, बजा दो प्लेट को, ठीक है ना, चम्मच लो और एक बार ही मार दो प्लेट के ऊपर, आपको बड़ा आवाज आएगी। कैसे आवाज आएगी आपको, आपको आवाज आएगी टन, आवाज आएगी ना आप लोगों को, बड़ी जोर की आवाज आएगी टन, ये सुनो
है ना? अच्छा बेटा, आवाज क्यों आ रही है आपको ये? टेल मी व्हाई यू आर लिसनिंग टू दिस वॉइस ऑफ टन एंड वेरी प्रोलॉन्ग्ड नॉइस. काफी प्रोलॉन्ग्ड है वो, काफी देर तक वो वाइब्रेशन चल रही है और आपको सुनाई दे रही है. तो पहली बात तो बताओ बेटा, जो आप सुनते हो क्या होता है बेटा? जो आप सुनते हो बेटा वो वाइब्रेशन होती है. डिफॉर्मेशन की वजह से वो वाइब्रेशन आती है. जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं ना, तब वो आपको सुनाई देते हैं. ठीक है, तो प्लेट से वो वाइब्रेशन निकल रही है. मतलब प्लेट क्या हो रहा है? प्लेट इस तरीके से वेव्स क्या हो रही है? वाइब्रेट कर रही है. आपके मारने के बाद ना प्लेट इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है, ऐसे वाइब्रेट कर रही है. ठीक है, ठीक है. बहुत छोटे लेवल की वाइब्रेशन है, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा. आपको प्लेट कांपती हुई दिखेगी ऐसे, आपको प्लेट कांपती हुई दिखेगी ऐसे. हमारे कान ना बहुत ही सेंसिटिव है बेटा, बहुत सेंसिटिव हमारे कान होते हैं. अच्छा सपोज करते हैं एक मच्छर आपके कान के पास से निकल जाता है ना, तो आपको उसकी आवाज सुनाई दे जाती है. ठीक है ना, जब एक मच्छर आपके कान के पास से निकल जाता है ना, तो आपको उसकी आवाज सुनाई दे जाती है. उसकी आवाज सुनाई देती है आपको. ठीक है ना, अब मुझे बताओ जो मच्छर की वो आवाज आपको आ रही है ना, ठीक है ना, वो कौन, वो क्या आवाज है? क्या वो बोल रहा है? क्या वो चीख रहा है? हेयर आई एम, हिम्मत है तो मार के दिखाओ. मच्छर इज शाउटिंग हेयर आई एम, हिम्मत है तो मार के दिखाओ. वो कौन सी आवाज है जो आपको सुनाई दे रही है बेटा? ठीक है ना, तो बेटा वो मच्छर के पंखों की आवाज है. ठीक है ना, मच्छर के जो छोटे छोटे विंग्स है ना, वो फड़फड़ा रहे हैं उड़ने के लिए. ठीक है ना, जब मच्छर आराम से बैठा हुआ होता है तो आपको आवाज नहीं आती है. जब मच्छर उड़ता है तो आवाज आती है. कैसे आती है? उड़ने की वजह से ऐसे आती है, जो उसके पंख है ना बेटा, वो पंख फड़फड़ा रहा है. हमारे कान इतने सेंसिटिव हैं कि हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकते हैं. 20 हर्ट्ज का मतलब क्या है? कोई भी चीज अगर एक सेकंड में 20 बार या उससे ज्यादा बार फ्लटर करेगी तो आप उसे सुन सकते हो. मच्छर के पंख भी अगर 20 बार से ज्यादा फ्लटर करेंगे तो आप उसको सुन सकते हो. आपका हाथ भी अगर एक सेकंड में 20 बार से ज्यादा फ्लक्चुएट करना शुरू कर दिया तो आप उसको भी सुन पाओगे. बस शर्त है इंटेंसिटी भी इनफ होनी चाहिए, मतलब मच्छर बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए रूम में. ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भैया आप यहां खड़े हो, मच्छर दूसरे रूम में वहां पे उड़ रहा है और आपको सुनाई दे रहा है. रजनीकांत नहीं हो रोबोट वाला रजनीकांत ढूंढ के लाया कौन सा मच्छर ने काटा था. ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो सुनाई दे रहा है वो वाइब्रेशन सुनाई दे रही है. जब आपने स्टील के प्लेट के ऊपर चम्मच मारा तो स्टील की प्लेट क्या कर रही है बेटा? वाइब्रेट कर रही है और वो वाइब्रेशन आपको सुनाई दे रही है ना. आई समझ में आपको? अब आते हैं गिटार के ऊपर. मान लिया आपने गिटार के अंदर, बेटा आप लोगों के पास गिटार होगा, देखा तो होगा आपने कभी गिटार, फिल्मों में देखा होगा, मूवी में देखा होगा, और कुछ बच्चों ने तो बजाया भी होगा, कुछ बच्चे घर में भी होगा बजाते भी होंगे. ठीक है ना, ओके. तो बेटा जो गिटार होता है उसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, उसमें जो स्ट्रिंग्स होती है, ठीक है ना, वो मेटल की बनी हुई होती है, वो मेटल की स्ट्रिंग्स होती हैं. लेट्स से वो एल्यूमिनियम मेटल की बनी हुई है, या एल्यूमिनियम नहीं सॉरी स्टील की बनी हुई है, लेट्स से. ठीक है, कि जो स्ट्रिंग्स है ना उसकी, वो स्टील की बनी हुई है. आप उसको प्लग करते हो तो उससे एक आवाज निकलती है, बहुत तीखी आवाज. ठीक है ना, तो बताओ बेटा उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है ना, क्योंकि बहुत ही आपको शार्प नॉइज सुनाई दे रही है. तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है? बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी है. यस नो, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी क्यों है? जितना ज्यादा तेजी से वो वाइब्रेट करेगा, मतलब एक सेकंड में जितने बार वो ऑसिलेट करेगा ना, उसके हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है. अगर ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगा तो हाई फ्रीक्वेंसी, धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा लो फ्रीक्वेंसी. अब मुझे बताओ, मान लिया आपने एक रबर बैंड लिया, आपने एक रबर बैंड लिया और उस रबर बैंड को स्ट्रेच कर दिया और फिर प्लग किया, तो आपको तब भी एक आवाज सुनाई देगी, टोंग. ठीक है ना, आपको तब भी आवाज सुनाई देगी बेटा. ठीक है ना, अगर आपने एक रबर बैंड को स्ट्रेच करके बीच में से प्लग किया तो भी आपको एक आवाज सुनाई देगी, बट वो आवाज कैसी है बेटा? वो भारी आवाज है. वो आवाज कैसी है? वो भारी आवाज है. भारी का मतलब क्या हुआ? उसकी फ्रीक्वेंसी लो है, मतलब वो कम वाइब्रेट कर रही है. रबर की स्ट्रिंग कम वाइब्रेट कर रही है, गिटार की स्ट्रिंग ज्यादा वाइब्रेट कर रही है. गिटार की स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है रबर की स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी से. यू कैन ट्राई दैट, यू कैन, आप एक रबर बैंड तो मिल जाएगा आपके घर में ना, रबर बैंड को लो और उसको प्लग करके देखो, सुन के देखो कि उससे आवाज निकल रही है वो कितनी भारी आवाज है, और जो गिटार के स्ट्रिंग की आवाज है वो कितनी शार्प नॉइस है. क्लियरली यहां से आपको इजिली फील होना चाहिए कि जो गिटार है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, मतलब वो हर सेकंड में ज्यादा बार वाइब्रेट कर रहा है. क्यों वाइब्रेट कर रहा है ज्यादा बार? बिकॉज जैसे ही आपने उसको डिस्टॉर्ट किया, उसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्सेस पैदा हो रहे हैं वो उस स्ट्रिंग को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं तेजी से. और जितना तेजी से वो वापस आएगा ना, जितना तेजी से वो वापस आएगा उतनी ही हाई फ्रीक्वेंसी में वो बजेगा.
आ रही बात समझ में? इनफैक्ट उसके अंदर टेंशन को इंक्रीज करने के लिए आपको आगे स्क्रू भी दिए होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है ना। आप स्क्रू को प्रेस करते हो, ठीक है ना, स्क्रू को घुमाते हो, उसकी टेंशन को इंक्रीज करते हो, टेंशन इंक्रीज होती है, रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होता है, स्ट्रिंग और तेजी से वाइब्रेट करती है और हायर फ्रिक्वेंसी का नोट पैदा करती है बेटा, ठीक है ना। अब तो हम वेव्स में चले गए, एचएम में चले गए, ठीक है ना। लेट्स कम बैक, लेट्स कम बैक टू इलास्टिसिटी। द आंसर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्टील इज मोर इलास्टिक देन दी रबर, स्टील इज मोर इलास्टिक देन दी रबर, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनालॉजी विद द स्प्रिंग, स्प्रिंग की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। हम कह रहे हैं कि एक रॉड को हम खींचते हैं तो वो खिंच जाती है और वापस आने की कोशिश करती है। अरे भैया स्प्रिंग के साथ भी तो यही होता है, तो अगर हम स्प्रिंग के साथ एक एनालॉजी ले, एनालॉजी का मतलब क्या, समानता देखें उसके साथ तो कैसे दिखेगी। हमने कहा कि एक रॉड है, फोर्स एफ, फोर्स एफ, लेंथ एल, एरिया ए, गामा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। स्प्रिंग ले लिया हमने, यहां फोर्स लगाया हमने एफ, यहां फोर्स लगाया हमने एफ, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। तो बेटा ये स्प्रिंग खींचेगा, ये स्प्रिंग खींचेगा तो हम क्या बोलेंगे, एफ बराबर के एक्स, शाबाश। यहां क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे एफ बाय ए स्ट्रेस, गामा टाइम्स डेल्टा एल बाय एल स्ट्रेन, दैट मींस एफ बराबर गामा ए बाय एल इंटू डेल्टा एल, ठीक है। तो डेल्टा एल क्या है यहां पर, इंक्रीमेंट इन द लेंथ, एक्स क्या है यहां पर, इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो एक्स और डेल्टा एल तो समान हो गए, एक्स और डेल्टा एल तो समान हो गए, एफ और एफ तो समान है ही, मतलब गामा ए बाय एल क्या है, के इक्विवेलेंट है। तो हम कह सकते हैं अ रॉड कैन बी ट्रीटेड एज अ स्प्रिंग, अ रॉड कैन बी ट्रीटेड एज अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इक्वल्स टू गामा ए बाय एल। अ रॉड कैन बी ट्रीटेड एज अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट गामा ए बाय एल। आ रही बात समझ में आपको, इज दिस क्लियर बेटा, ठीक है। ये हम कह रहे हैं अ रॉड कैन बी ट्रीटेड एज अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट गामा ए बाय एल, ठीक है। तो हम रॉड को एक स्प्रिंग मान सकते हैं। अब मानने की जरूरत क्या है बेटा, मानने की जरूरत ये है क्योंकि क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं ना, क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो अगर हम एक स्प्रिंग ले और उसको दूसरे स्प्रिंग के साथ सीरीज में लगा दें, ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं, जब हम इसको यहां पर खींचते हैं F फोर्स से, यहां पर खींचते हैं F फोर्स से, तो बेटा दूसरे एंड पर भी F F फोर्स ही लग रहा होता है, दोनों पे फोर्स बराबर लगेगा, दोनों पे फोर्स बराबर लगेगा। तो बेटा इनमें क्या होता है, हम कहते हैं स्ट्रेस सेम होता है, स्ट्रेन अलग होता है, सेम स्ट्रेस होगा, सेम स्ट्रेस हो जाएगा इनके अंदर, सेम स्ट्रेस, सेम स्ट्रेस हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। और डिफरेंट स्ट्रेन, डिफरेंट स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या बताता है बेटा आपको कि कितना ज्यादा खिंचाव आ रहा। तो अगर ये दो स्प्रिंग्स हैं, एक स्प्रिंग जो है वो ज्यादा स्टिफ है, दूसरा स्ट्रिंग जो है वो कम स्टिफ है, ठीक है ना, सॉफ्ट है, तो जब खींचोगे आप इस तरीके से ना, तो एक कम खींचेगा एक ज्यादा खींचेगा। क्यों, जो सॉफ्ट होगा वो ज्यादा खींचेगा, जो हार्ड होगा वो कम खींचेगा, दोनों में स्ट्रेन अलग आएगा लेकिन स्ट्रेस सेम आ सकता है। तो हम इसको कह रहे हैं कि अगर हम कंपेयर करें इसको, अगर हम कंपेयर करें इसको दो रॉड्स के साथ, और हमने कहा कि यहां पर हमने फोर्स एफ, यहां पर हमने फोर्स एफ लगा दिया, ठीक है ना। और अब हम कह रहे हैं कि देखो इसका एरिया ए, इसका भी एरिया ए, यंग्स मॉडुलस गामा वन, यंग्स मॉडुलस गामा टू, ठीक है ना, लेंथ एल वन, लेंथ एल टू, आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या कह सकते हैं, देखो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, आइए देखते हैं। हम यहां पर यह कह रहे हैं, हम यहां पर कह रहे हैं कि जो के इफेक्टिव है बेटा वो कितना होगा, के इफेक्टिव कितना होगा ये निकालने को हम कह रहे हैं। तो के इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, बेटा के इफेक्टिव होता है 1 बाय के1 प्लस 1 बाय के2। बेटा ये स्प्रिंग्स का फॉर्मूला है, मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है, जिसको नहीं पता बेटा अब वो इसको याद कर ले। वर्क पावर एनर्जी में स्प्रिंग्स को डिस्कस करते हुए मैंने बताया था आपको, ठीक है। सो 1 बाय के इफेक्टिव इज 1 बाय के1 प्लस 1 बाय के2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब दो रॉड्स हमारे पास है, हम चाह रहे हैं इन दो की जगह पर एक सिंगल रॉड ले ले, उसकी लेंथ कितनी ले, L1 प्लस L2 ले ले, गामा इफेक्टिव हो गया हमारे पास, ठीक है ना। और यहां पर क्या हो गया बेटा, एरिया हम A ले ले। तो हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज L इफेक्टिव, सॉरी व्हाट इज गामा इफेक्टिव, सॉरी L इफेक्टिव तो L1 प्लस L2 है, व्हाट इज गामा इफेक्टिव, गामा इफेक्टिव क्या होगा। तो हमें बहुत सिंपल, अगर हमने ये फॉर्मूला यूज करें तो हम गामा इफेक्टिव निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है गामा और के बीच का रिलेशन क्या है, के होता है गामा ए बाय एल, हमने लिखा ना अभी, के क्या होता है, के होता है गामा ए बाय एल, के होता है गामा ए बाय एल,
के इज गामा ए बाय एल। ठीक है बच्चों, बस के वन के टू डालेंगे, आंसर निकालेंगे, दो मिनट में आंसर हमारे पास रेडी हो जाएगा। बताओ के वन कितना होगा, के वन कितना होगा बताओ बच्चों, बताओ के वन कितना होगा, के वन होगा गामा वन ए बाय एल वन प्लस के टू कितना होगा गामा टू ए बाय एल टू। ठीक है भैया, के इफेक्टिव कितना होगा, गामा इफेक्टिव ए बाय एल वन प्लस एल टू, ये सब ऊपर जाएगा, ये तो कट रहा है बाकी सब ऊपर जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे एल वन प्लस एल टू डिवाइड बाय गामा इफेक्टिव इज एल वन बाय गामा वन प्लस एल टू बाय गामा टू। यहां पर हम एलसीएम लेते हैं गामा वन गामा टू, तो क्या लिखेंगे एल वन गामा टू प्लस एल टू गामा वन, और फिर हमको मिलेगा गामा इफेक्टिव इज इक्वल टू गामा वन गामा टू डिवाइड बाय एल वन गामा टू प्लस एल टू गामा वन इंटू एल वन प्लस एल टू। ये मिलेगा हमको बेटा, ये मिलेगा बेटा हमको कि गामा इफेक्टिव इज गामा वन गामा टू एल वन प्लस एल टू डिवाइड बाय एल वन गामा टू प्लस एल टू गामा वन, ये मिल जाएगा बेटा हमको, दिस इज व्हाट विल गेट। समझिए बेटा आप लोग, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात यहां पर बेटा नहीं है, गामा इफेक्टिव आपको मिल गया। इस तरीके से आपको निकाला सकता है और ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो कि इनमें क्या आ रहा है, स्ट्रेस सेम आ रहा, स्ट्रेन डिफरेंट आ रहा। ठीक है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं हम, तो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, एक रॉड हमने यहां ले ली और एक रॉड हमने यहां ले ली और इसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया एफ, लेंथ इस बार बराबर ले रहे, एरिया हम अलग ले रहे ए वन ए टू, गामा हम अलग रहे गामा वन गामा टू, तो स्प्रिंग्स की अगर बात की जाए, स्प्रिंग्स की अगर बात की जाए और इनको पैरेलल में लगा दिया जाए, ये के वन है ये के टू है, तो के इफेक्टिव लिखा जाता है बेटा के वन प्लस के टू के साथ, ये आपको मालूम होना चाहिए दैट के इफेक्टिव इज के वन प्लस के टू इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। गामा इफेक्टिव निकालना है, तो गामा इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, हम इन दो रॉड की जगह पर एक सिंगल रॉड इस्तेमाल करना चाह रहे जिसकी लेंथ तो एल है, लेकिन एरिया कितना लेंगे ए वन प्लस ए टू लेंगे, और गामा की जगह पर लेंगे गामा इफेक्टिव। ठीक है, तो भैया आप ये बताओ इसके अंदर कि के गामा इफेक्टिव कितना होगा, फाइंड गामा इफेक्टिव क्वेश्चन है, फाइंड गामा इफेक्टिव, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, तो हम बोलेंगे के वन कितना है, के वन होता है गामा ए बाय एल, तो गामा वन ए वन बाय एल गामा टू ए टू बाय एल, के इफेक्टिव कितना बेटा, गामा इफेक्टिव एरिया ए वन प्लस ए टू बाय एल 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 कट गया, गामा इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, ये आ रही गामा वन ए वन गामा टू ए टू डिवाइड बाय ए वन प्लस ए टू, बहुत शानदार, गामा इफेक्टिव की वैल्यू आपको मिल गई, गामा वन ए वन प्लस गामा टू ए टू डिवाइड बाय गामा डिवाइड बाय ए वन प्लस ए टू, ये वैल्यू हमको मिल रही है। ठीक है, ये वैल्यू हमको मिल रही है बेटा, समझ गए, चलो पढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं ना बेटा, तो उसके अंदर बेटा एक एनर्जी भी स्टोर हो जाती है, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं ना तो उसके अंदर एक एनर्जी भी स्टोर होती है, कितना एनर्जी स्टोर होता है बेटा, वर्क पावर एनर्जी हमने बताया था बेटा, वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, दैट इज द एनर्जी विच स्टोर्स इन टू द स्प्रिंग, जब स्प्रिंग खींचा जाता है तो। ठीक है, तो भैया यहां पर कितना एनर्जी स्टोर होगा, हमने बिल्कुल सिंपल सी बात है, हाफ What is K? K is gamma A by L. What is X? X is delta L. बिल्कुल उसकी एनालॉगी हमने ले ली और हमने कहा कि भैया इतना एनर्जी इसमें स्टोर होना चाहिए, जैसे कि आप स्प्रिंग में लिखते हो बिल्कुल वैसे ही आप यहां पर भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा जी सर आपने ये लिख तो दिया, इसको याद करने का तरीका क्या है, ठीक है ना, तो मैं आपको इसको दो तीन फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा, दोनों तीन फॉर्म में आपको लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे हम, ध्यान देना, हाफ डेल्टा गामा टाइम्स डेल्टा एल बाय एल इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू ए इंटू एल। अब बताओ बेटा ये दोनों सेम है कि अलग है, कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ध्यान से देखो बताओ कि दोनों सेम है कि अलग है, क्या मैंने कोई मिस्टेक किया है क्या, दोनों सेम है कि अलग है, जल्दी से बताओ बेटा। तो देखो बेटा डेल्टा एल तो दो थे मेरे पास, मैंने दो यूज कर लिए, पर एल तो एक था, आपने दो एल यूज कर लिए, बड़ा एक एल मैंने ऊपर भी लगा दिया ना, फिर तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, अब आपको सही दिखेगा, अब आपको सही दिखेगा। ठीक है,
मैंने ऊपर और नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दिया है और अब आपको ये बिल्कुल सही दिखना चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या है, तो बेटा डेल्टा एल बाय एल होता है स्ट्रेन एंड गामा टाइम्स होता है स्ट्रेस, तो ये हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, दैट इज यू। यू क्या है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। व्हाट इज यू, यू इज हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम, सिंपल सी बात, दैट इज यू, यू इज हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो बेटा स्ट्रेस को क्योंकि हम गामा टाइम्स स्ट्रेन लिखते हैं ना, तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज हाफ गामा टाइम्स स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, हाफ गामा टाइम्स स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ये भी बोल सकते हैं। स्ट्रेन को हम ले सकते हैं स्ट्रेस अपॉन में गामा, स्ट्रेन इज स्ट्रेस अपॉन में गामा, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, हाफ हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन में गामा इंटू वॉल्यूम, ये भी बोल सकते हैं, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन में गामा इंटू वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो बेटा एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तीन तीन फॉर्मूले हमने यहां पर लिख दिए बेटा। जरूरत अनुसार आपको इनका करना है इस्तेमाल, जरूरत अनुसार आपको करना है इस्तेमाल। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि आपके पास सीरीज में रॉड्स हैं, लेंथ L1, गामा 1, एरिया A1, लेंथ L2, गामा 2, A2, ठीक है ना, और आपने सॉरी एरिया तो A ही है, और आपने यहां पर फोर्स F और F लगा दिया, ठीक, और पूछ लिया गया आपसे कि भैया इसमें एनर्जी स्टोर का रेशियो बता दो, U1 by U2 बता दो कितना होगा, एनर्जी स्टोर का रेशियो बता दो कितना होगा इसके अंदर। तो हमने कहा कि देखो हमारे पास तीन तीन फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला यूज करें भाई, ठीक है। तो हमने कहा कि भैया सीरीज के अंदर स्ट्रेस सेम होता है, सीरीज के अंदर स्ट्रेस सेम होता है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में स्ट्रेस सेम है तो लेट अस यूज द थर्ड फॉर्मूला, क्योंकि पहली बात उसमें स्ट्रेन नहीं है और दूसरी बात स्ट्रेस है, बट वो तो सेम ही है तो रेशियो में कट जाएगा, ठीक है। तो हाफ कट गया, स्ट्रेस कट गया, तो क्या बचा, वॉल्यूम और गामा बचा। अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, तो एरिया भी कट गया, एरिया भी कट गया, क्यों कट गया एरिया, क्योंकि एरिया भी कॉमन हो गया, दोनों का एरिया सेम है, तो ऊपर क्या था लेंथ बचा, नीचे गामा बचा, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि यू वन विल बी एरिया लेंथ बाय गामा वन, और नीचे क्या आएगा, एरिया लेंथ वॉल्यूम डिवाइड बाय गामा टू, तो ए वन कट गया, गामा टू एल वन डिवाइड बाय गामा वन एल टू, ये आ रहा हमारे पास यू वन बाई टू, द वैल्यू ऑफ यू वन बाई टू विल बी गामा टू एल वन डिवाइड बाय गामा वन एल टू, ऐसे आप लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ यू वन एंड यू टू, ठीक है ना। नाउ हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों चुना, बिकॉज स्ट्रेस सेम था, तो जरूरत अनुसार आपको इस फॉर्मूले को करना है इस्तेमाल। तीन फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन जरूरत अनुसार आपको फॉर्मूले को करना है इस्तेमाल। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी बच्चा लोग। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे, और उस क्वेश्चन का नाम है हैंगिंग रॉड। अगर एक रॉड हमने ली है और उसको लटका दिया है, और ये मैसिव रॉड है, इसका मास कुछ एम है, लेंथ कुछ एल है, ठीक है ना। तो बेटा होता क्या है ना, ये रॉड जो है ये अपने वजन के चलते ही इलोंगेट होती है, अपने वजन के चलते ही बेटा ये इलोंगेट होती है, इसकी लेंथ में बेटा चेंज आ जाता है अपने वजन के चलते ही, ठीक है ना। अब देखो बेटा एक बात समझो यहां पर आप लोग, हम ये कह रहे कि जब हमने रॉड को टांग दिया तो उसका एक बॉटम मोस्ट पॉइंट है और एक टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे बेटा ये है कि इन दोनों पॉइंट्स में से ज्यादा टेंशन किसके पास है, बॉटम वाले के पास है कि टॉप वाले के पास है, इन दोनों में से ज्यादा टेंशन किसके पास है बेटा, इन दोनों में से ज्यादा टेंशन किसके पास है, बॉटम वाले के पास है कि टॉप वाले के पास है बेटा, ठीक है। तो फटाफट बेटा पॉज करो, कमेंट करके बताओ कि ज्यादा टेंशन बॉटम वाले के पास है कि टॉप वाले के पास है, बॉटम के टॉप किसके पास टेंशन है बेटा, ठीक है, ओके, आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो इस बात को समझाने के लिए काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, मैं यहां पे कह रहा हूं कि टेंशन हर एक पॉइंट पर सेम नहीं है, अलग पॉइंट पर अलग है। तो यहां पर मैं इस बात को समझाने के लिए कि टेंशन अलग पॉइंट पर अलग है, एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया बेटा आप पार्क गए और उस पार्क में एक झूला है,
वो था लगा होता पार्क के अंदर, उसमें बड़े डंडे लगे होते चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, लटक जाते हो इस तरीके से। तो आप पार्क में गए और उसके ऊपर जाके लटक गए इस तरीके से, लटके हुए आपने ऐसे पकड़ा हुआ अपने हाथों से और पैर आपके हवा में फ्रीली झूल रहे हैं, पर पैर आपके हवा में है, ठीक है ना, आपने पकड़ा हुआ ऐसे। तो मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा टेंशन आपको कहां पर फील हो रही होगी, फिंगर्स में, ठीक है ना, उसके बाद कंधों में, उसके बाद कमर में, आपको कमर में भी एक टेंशन फील हो रही होगी ना, ठीक है ना, उसके बाद घुटनों में, आपको घुटनों में एक टेंशन फील हो रही होगी, ठीक है ना, बट आपके जो टोज होंगे ना, दे विल बी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी रिलैक्स्ड। सबसे ज्यादा जोर आपके हाथों में लग रहा होगा, ठीक है ना। अब मुझे आगे समझाने की कोशिश करो कि भाई आपके कमर में जो टेंशन फील हो रही है वो क्यों फील हो रही है, व्हाई यू आर फीलिंग टेंशन और स्ट्रेच इन योर कमर, ठीक है ना। अच्छा, इस बात को समझने के लिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि जो आपके पैर हैं वो आपकी कमर को छोड़ के गिर क्यों नहीं जा रहे, आपके पैरों को भी तो ग्रेविटी खींच रही होगी, तो जो आपके पैर हैं, जो आपकी टांगे हैं, वो आपसे आपकी कमर से अलग होके गिर क्यों नहीं जा रही हैं, वो आपकी कमर से अटैच्ड क्यों हैं, ठीक है ना, कौन उन टांगों को रोक रहा है। तो बेटा जो आपकी कमर है ना वो आपकी टांगों को ऊपर की तरफ खींच रही है और ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, इसलिए आपकी कमर पे वो स्ट्रेच फील हो रहा है। आपकी कमर ने आपकी टांगों को उठा रखा है, ठीक है ना, तो उसने आपकी टांगों को ऊपर की तरफ वो पुल कर रही है, ऊपर की तरफ क्या कर रही है, पुल कर रही है, तो आपको इसे कमर पे स्ट्रेच जो है वो फील हो रहा है, ठीक है। घुटनों में स्ट्रेच फील क्यों कम इसलिए फील हो रहा है बिकॉज घुटने के जो नीचे वाला हिस्सा है वो कम भारी है, उसमें वजन कम है, तो घुटने को कम बोझा उठाना है, कंधों को ज्यादा बोझा उठाना है और हाथों को दो, फिंगर्स को दो, पूरे शरीर का वजन उठाना है, पूरे शरीर का वजन उठाना है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पूरी बॉडी में बेटा अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग लग रही होगी, अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग लग रही होगी और सबसे ज्यादा टेंशन आपके हाथों में आ रही होगी क्योंकि आपके हाथों को तो पूरा ही वजन उठा लेना है। तो यहां पर बेटा वही हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम बेटा, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब इस रॉड में कितना इलोंगेशन होगा, हर एक सेक्शन का इलोंगेशन बराबर नहीं होगा, जहां पर टेंशन ज्यादा है वहां का इलोंगेशन ज्यादा होगा, जहां पर टेंशन कम है वहां का इलोंगेशन कम होगा। तो सबसे पहले तो मुझे यहां पर टेंशन निकालनी होगी बेटा, किसी एक्स डिस्टेंस पर टेंशन निकालनी होगी। तो बेटा मैं यहां से एक्स डिस्टेंस ऊपर गया, ठीक है ना, और इस पॉइंट में मुझे टेंशन निकालनी है। तो अगर ये कमर है और ये नीचे टांगे हैं तो कमर क्या कर रही है, इस टांगों का बोझा उठा रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर अलग से इसका एफबीडी बनाता हूं तो यहां पर जो टेंशन लग रही होगी वो इस नीचे वाले का वजन उठा रही होगी। तो मैं कहूंगा एल लेंथ का मास एम है, यूनिट लेंथ का मास एम बाई एल है और एक्स लेंथ का मास एम बाई एल इंटू एक्स है। तो जो ये वजन आ रहा ये एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी आ रहा, तो टेंशन की वैल्यू एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी हो जाएगी, दैट इज टेंशन। तो टेंशन इज एम बाई एल एक्स इंटू जी, ये टेंशन हमको मिल रही है। अगर ये टेंशन यहां पर आ गई, क्लियरली ये एक्स का फंक्शन है, अलग अलग एक्स पर टेंशन बेटा अलग अलग आ रही है, अलग अलग एक्स पर टेंशन बेटा अलग अलग आ रही है, एक्स को एल डाल दो टेंशन एम जी के बराबर आ रही है, मैक्सिमम टेंशन आ रही है। अब इसके ऊपर मैंने एक छोटा सेक्शन ले लिया और इस सेक्शन का एफबीडी बना लेते हैं हम, इस छोटे से सेक्शन का एफबीडी बनाते हैं हम। इस सेक्शन का जो लेंथ है बेटा वो डीएक्स है, इस पर टेंशन यहां पर टी लग रही, यहां पर बेटा टी प्लस डीटी लग रही, क्योंकि यहां पर छोटा सा वेट डीएमजी और एड हो रहा। मुझे बताओ कि डीएमजी और डीटी बहुत बड़े हैं कि टी बहुत बड़ा है, तो क्लियरली सर डीएमजी डीटी तो बहुत छोटे हैं, जिसके आगे डी लग गया वो बहुत छोटा हो जाता है, तो टी जो है वो बहुत बड़ा है। तो जिसमें खिंचाव आ रहा है ना, जो इसमें खिंचाव आ रहा है, उस खिंचाव का असली कारण ये टेंशन टी है, इस खिंचाव का असली कारण टेंशन टी है। डीएमजी और डीटी तो बहुत छोटे हैं बेटा, ठीक है ना। तो अगर इस टी के कारण इसमें खिंचाव आ रहा है और हम कह रहे हैं कि इसकी लेंथ डीएक्स से बढ़कर डीएल इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब डीएक्स प्लस डीएल हो गई लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ थी डीएक्स और उसमें जो इंक्रीमेंट आया वो डीएल का आया। डीएल क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन द लेंथ। तो इसके लिए अगर मैं हुक्स लगाता हूं, इसके लिए अगर मैं हुक्स लगाता हूं, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फोर्स अपॉन में एरिया मतलब स्ट्रेस, फोर्स अपॉन में एरिया मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा टाइम स्ट्रेन एंड स्ट्रेन इज डीएल बाई डीएक्स, स्ट्रेन इज डीएल बाई डीएक्स, फोर्स अपॉन में एरिया इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू गामा टाइम स्ट्रेन, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ इज डीएल, ओरिजिनल लेंथ इज डीएक्स।
ठीक है बेटा, आई बस समझ में आपको। तो बेटा बेटा हम यहां पर क्या कह पा रहे हैं, हम कह पा रहे हैं कि डीएल कितना है, हम कह रहे हैं कि डीएल कितना है बेटा, तो हम कह रहे हैं कि डीएल हमारे पास है टी बाय ए गामा इंटू डीएक्स। अब टी कितना है बेटा, टी है एम बाय एल जी इंटू एक्स डीएक्स डिवाइड बाय ए गामा। और टोटल इंक्रीमेंट निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट, टोटल इंक्रीमेंट इन लेंथ निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट, एक्स वैल्यू करेगा जीरो से लेकर एल तक, तो जीरो से लेकर एल तक हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो मुझे मिलने वाला है एम जी एल बाय टू ए गामा। बेटा ये हमारा आंसर आ रहा, याद कर लो बेटा, याद ही कर डालो इस आंसर को, एम जी एल बाय टू ए गामा, एम जी एल बाय टू ए गामा, ये आपका आंसर है बेटा। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हो, इसको याद कर डालो। आए बात समझ में, इस हैंगिंग रॉड के अंदर, इस हैंगिंग रॉड के अंदर आप चाहो तो, आप चाहो तो एनर्जी स्टोर भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो एनर्जी स्टोर भी निकाल सकते हो। अगेन आपको एक इंटीग्रेशन से बेटा गुजरना पड़ेगा। यह मच्छर लगता है वापिस आ गया है, इस मच्छर हैज कम बैक, नहीं छोड़ूंगा इस मच्छर को। ओके चलो बेटा, एनर्जी निकाल लेते हैं, पहले एनर्जी निकालते हैं यहां पर कि एनर्जी कितना स्टोर होगा इस हैंगिंग रॉड के अंदर, फिर आगे बात करते हैं एनर्जी स्टोर इन द हैंगिंग रॉड। हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहां पर कि x डिस्टेंस पर टेंशन कितना होता है, m by l x into g होता है, m by l x into g होता है, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर जो हमने यहां पर सेक्शन लिया, इसके अंदर जो खिंचाव आएगा उसकी वजह से एक छोटा सा इसके अंदर एनर्जी स्टोर भी होगा। तो व्हाट इज एनर्जी स्टोर इन दिस छोटा सा एलिमेंट, छोटी सी एनर्जी, ठीक है ना। तो हम बड़ा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहां पर, हाफ हाफ, क्योंकि मुझे टेंशन पता है तो मैं स्ट्रेस वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन गामा इंटू वॉल्यूम, ये यूज करूंगा मैं फॉर्मूला, ठीक है, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन गामा इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो देखो बेटा, हाफ स्ट्रेस कितना है बेटा यहां पे, टेंशन अपॉन एरिया, टेंशन कितना हमारे पास, एम जी एक्स बाय एल एरिया ए स्क्वायर गामा। बेटा वॉल्यूम कितना है इसका, तो इसका वॉल्यूम होगा ए इंटू डीएक्स, ए बेटा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा आपको, डीएक्स बेटा क्या है इसका, ये छोटा सा एलिमेंट, ये ए इंटू डी से, ठीक है, बस इसको करना है इंटीग्रेट। कहां से कहां तक करना है बेटा, जीरो से लेकर एल तक, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर एल स्क्वायर ए स्क्वायर गामा ए एल क्यूब बाय थ्री। पूरा इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया है यहां पर, एक स्टेप में कर दिया है, आप आराम से बैठ के देखना बेटा क्या कर रहा है मैंने, 1/6 एम स्क्वायर जी स्क्वायर ए से ए कट गया, एल बाय एल स्क्वायर ए गामा, सॉरी एल स्क्वायर भी हट जाएगा, बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है। मुझे पता है मैं बोलूंगा कि आपकी मैथ्स भन्नाट, तो बच्चा कमेंट में बोलता है सर हम तो मेडिकल के बच्चे हैं, हमारी मैथ्स भन्नाट नहीं है, हमें तो बताओ, ठीक है ना। तो बड़ा बहुत सिंपल सा है, हमने यहां पर एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय थ्री, इसलिए थ्री आया और एक्स की वैल्यू लिमिट डालने पर एल बन गई। बहुत सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल बेसिक मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा रखा है पूरा, वहां पे जितना जरूरत है आपको इस इंटीग्रेशन करने के लिए सारी चीज वहां पे मैंने आपको बता रखी है, तो चिंता करने वाली बात नहीं है, जाकर बेसिक मैथमेटिक्स देख लो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैंने पूरा वहां पे पढ़ा रखा है बेटा आप लोगों, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाकर देखो, ठीक है। चलो तो बड़ी एनर्जी स्टोर आ गई आपके पास, इलोंगेशन आ गई, एनर्जी स्टोर आ गई हमारे पास, सीरीज पैरेलल पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो रॉड के बारे में हमने काफी सारी चीजें यहां पर देख ली हैं। चलो अब बात करते हैं यहां पर बेटा हम लोग किसकी, ब्रेकिंग स्ट्रेस की। अगर किसी चीज को जरूरत से ज्यादा खींच दिया जाता है तो बेटा वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना। कितने फोर्स लगाकर ब्रेक होगी, कितना फोर्स लगाकर ब्रेक होगी वो ब्रेकिंग फोर्स होता है, और कितना स्ट्रेस वो झेल सकती है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है। बेटा ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल है, ये प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल है ये, ठीक है ना। लेकिन उस मटेरियल से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हो और अलग अलग ऑब्जेक्ट का ब्रेकिंग फोर्स अलग अलग हो सकता है। बेसिकली हम कहेंगे जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेस को इलास्टिक लिमिट भी बोला जाता है, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है ये होता है ब्रेकिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ब्रेकिंग फोर्स पर यूनिट एरिया।
तो अगर एरिया बड़ा हो गया ना तो ब्रेकिंग फोर्स भी बड़ा होगा, लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रहेगा बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो दो वायर्स हैं, एक आपने थोड़ी पतली वायर ले ली है, एक थोड़ी सी मोटी वायर ले ली है, आपने दो वायर आपके पास, एक पतली वायर है एक मोटी वायर है, लेकिन दोनों ही बड़ा मान लेते हैं स्टील की बनी है, दोनों ही मान लिया हमने स्टील की बनी है, एक पतली वायर एक मोटी वायर, दोनों ही किसकी बनी है, स्टील की बनी है, तो दोनों को ही तोड़ने के लिए जो वजन लगाना पड़ेगा ना वो अलग अलग होगा। हम वजन लगा रहे हैं इनको तोड़ने के लिए, ठीक ना, कितना वजन ये झेल सकते हैं हम देखना चाह रहे हैं, ठीक ना, तो दोनों को तोड़ने के लिए वजन अलग अलग लगाना पड़ेगा, लेकिन लेकिन दोनों के अंदर जो स्ट्रेस पैदा होगा टूटते वक्त वो बराबर होगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस बेटा अभी भी दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन ब्रेकिंग फोर्स अलग हो जाएगा बिकॉज एरिया क्या होगा, अलग हो गया। तो मान लिया इसका रेडियस आर, इसका रेडियस टू आर, ठीक है ना, इसका मास एम वन, इसका मास एम टू, तो यू हैव टू फाइंड एम टू बाय एम वन इफ एम वन एंड एम टू जस्ट ब्रेक्स द स्ट्रिंग्स। अगर M1, M2 इन स्ट्रिंग्स को जस्ट ब्रेक कर रही हैं, M1, M2 इन स्ट्रिंग्स को जस्ट ब्रेक कर रही हैं, तो M2 by M1 कितना होगा? ये आपको बताना है बेटा, ठीक है ना? ये आपको बताना है बेटा। तो हम कैसे निकालें इसको? हमने कहा बेटा ये क्या हो गया? ये बेटा M2G और M1G ब्रेकिंग फोर्स हो गए। तो ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा? M2G by M1G, they are the breaking forces। ब्रेकिंग फोर्स होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा। ब्रेकिंग स्ट्रेस को हम सिग्मा से लिख सकते हैं, सिग्मा स्टील इंटू एरिया। तो M2 के लिए क्या लिखेंगे हम? पाई इंटू टू आर का स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्टील इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो बैठे क्या आ रहा है? फोर आ रहा है। तो M2 by M1 कितना आ रहा है? फोर आ रहा है। चार गुना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए बिकॉज एरिया चार गुना हो चुका, रेडियस डबल हो चुका। सिंपल सी बात है, मुझबानी क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझाया लिख दिया मैंने आपको कि रेडियस डबल हुआ, एरिया चार गुना हुआ, तो ब्रेकिंग फोर्स भी चार गुना होगा, मास भी चार गुना आपको लगाना पड़ेगा बेटा, ये आप समझ जाओ। लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम, मटेरियल सेम, ठीक है? आई बस समझ में आपको, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो बेटा बहुत सारी बातें हमने आज के लेक्चर में करी हैं, ठीक है, और उन सब चीज़ों को आराम से बैठकर देखिए, समझिए, पढ़िए। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे अगले लेक्चर में बेटा, ठीक है ना? तब तक बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, सी यू, टाटा, बाय बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।